टेक्नीशियन है फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का वीडियो में हम जानेंगे कि अपना अगर हमारा कंडेंसर का ट्यूब लीक हो जाता है किसी तरह से, तो उसको कैसे हम ब्रेजिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए डेक्स पैकेज यूनिट है, सेम लाइक दैट। ये आपका डेकिन का यूनिट, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम इसको ब्रेजिंग करेंगे, तो हम आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे। इधर में लीक है, यहाँ पे जरूर देखिए आपको इसे ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो अभी इस लीक को हम क्या करेंगे, पूरा गैस इसके अंदर का है सब निकाल देंगे, क्योंकि इसमें पंप डाउन करने का ऑप्शन नहीं है, तो पूरा निकालना होगा गैस को। तो गैस निकाल के उसके बाद फिर हम इसको ब्रेजिंग करेंगे। वहाँ पर अभी हमारा लीक है, लीक होने के बाद अभी हम वहाँ पे फिन्स को काट के हटा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये आपका जो है ये ब्लेड था, ये पट्टी लगा हुआ था, तो इसके चलते जो है ना वाइब्रेशन हो करके लीक हो गया। तो अभी हम इसको फिन्स को काट के हटा देंगे, तो हम अच्छा से ब्रेजिंग कर सकते हैं, जैसे कब देख पा रहे हैं। तो कभी भी आप अच्छा से ब्रेजिंग करें, क्लियर कर लें एरिया को, तो ब्रेजिंग करें। यहाँ पर अभी अभी आपको दिख रहा है ना वो लीक है, तो उस लीक को मारेंगे, लीक को ब्रेजिंग करेंगे, तो आपको हम दिखाएंगे। अभी उसको पहले ये मेरी पेपर से टोटल अच्छा से साफ कर लेंगे, तब उसके बाद हम उसमें ये करेंगे। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, अभी इसको बहुत अच्छा से हम इसको ये कर लिए हैं, साफ़ कर लिए मेरी पेपर से, कि इस पर जो अपना हम ब्रेजिंग रॉड से इसको ब्रेजिंग चढ़ाएंगे इस पर ऊपर, तो अच्छा से इस पर ये होना चाहिए करना चाहिए। अगर आप अच्छा से साफ़ नहीं करेंगे तो दिक्कत है। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा देखिए ब्रेजिंग सेट है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रेजिंग करने के लिए हमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखिए ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन में देखिए इसका कितना प्रेशर दिखा रहा है, 1700 इसका भी आइडियल प्रेशर दिखा रहा है एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। देन आफ्टर आपका ये देखिए अपना एसिटिलीन है, ठीक है। एसिटिलीन में देखिए आप प्रेशर देख पा रहे होंगे इसका आइडियल प्रेशर अपना 170 के दिखा रहा है। फिर अभी जब हमको ये करना होगा, ब्रेजिंग करना होगा, तो इसके ज़रिए हम खोलेंगे जितना हमको ज़रूरत होगा, तो एटमोस्टली 10 से 15 के बीच में इसको हम लोग रख करके उसके बाद हम लोग ये करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। और ये अपना ऑक्सीजन वाला है, इसको जब हम ब्रेजिंग करेंगे तो अपना लगभग 40 रखेंगे, 40 के आसपास रखेंगे, 40-50 के रेशियो में रख के हम लोग इसको ये करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं ऑक्सीजन को। दोस्तों तो देखिए अभी हम ब्रेजिंग इसको कर रहे हैं, पहले आपको ट्यूब को हिट कर लेना है, देन आफ्टर उसके बाद आप ब्रेजिंग वर्क। हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी हमने इसमें 200 प्रेशर डाला नाइट्रोजन का, अभी लीक टेस्ट करने के लिए। तो देख रहे हैं आप, जैसे कि 200 प्रेशर डाला हुआ है इसमें, अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर पहले लीक आ रहा था ना, अभी देखिए यहाँ पर लीक नहीं आ रहा है। मैं पूरा चेक किए, लिक्विड से भी चेक किया, अभी थोड़ा सा इसमें साबुन ये करके सॉप का, उसके बाद इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन लीक नहीं है। अभी अच्छा से चेक कर लिए, एक एक करके सब चेक कर लिए। अभी जैसे एक कॉइल में लीक था, लेकिन हमने बाकी कॉइल को भी थोड़ा थोड़ा उसमें कट लग गया था, वो लीक नहीं था, लेकिन सोचे कि उसको भी कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी हमने वैक्यूम में इसको लगा दिया है यूनिट को, ये अपने एक सक्शन लाइन से, फिर अपना ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज से दो पाइप से, थोड़ा जल्दी वैक्यूम होने के लिए करके हम लगा दिए। ऐसे आप एक से भी कर सकते हैं, सक्शन लाइन से भी, सिर्फ या डिस्चार्ज लाइन से, बंद कंडीशन में कहीं से भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए वैक्यूम का अपना ये कंपाउंड गेज है, ये अपना प्रेशर गेज है, तो इस कंपाउंड गेज में आपको मालूम चलेगा ये माइनस में हो गया है आपको, ठीक है ना। 29.2 समथिंग है, इतना से अभी ज़्यादा, मतलब अगर 30 तक आ जाता है तो बहुत अच्छा है, तो अपना 29.5 तक ही आप। देखिए यहाँ पर ये वैक्यूम मशीन है, आप देख रहे होंगे साउंड से समझ में आ रहा होगा आपको। तो अभी हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे, ठीक है। ये हमारा 22 का सिलेंडर है, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है डिफरेंट 22, केमिकल का ये अपना रेफ्रिजरेंट का नेम है, ठीक है। तो अभी हम गैस चार्ज करेंगे,
अभी क्या है कि जब आप वैक्यूम करेंगे मशीन को ना, तो वैक्यूम करने के बाद आप अपना आइडियल प्रेशर तक इसमें प्रेशर आप डाल सकते हैं। आइडियल प्रेशर के बाद उसके बाद इसके अंदर गैस नहीं जाएगा, उसके बाद आपको यूनिट चालू करना होगा, उसके बाद जाएगा। तो अभी जिस तरह से देखिए, हम इसमें लगा दिए हैं अभी वैक्यूम मशीन बंद करके, अभी वो दोनों लाइन को उधर ही छोड़ देना है, ठीक है। जब उसके अंदर गैस इंटर कर जाएगा तब आप डिस्चार्ज लाइन को हटा दीजिए, चाहे उसको रहने दीजिए आप गैस चेक करने के लिए, और उसके बाद आप सक्शन लाइन के जरिए, कंपाउंड गेट के जरिए कर सकते हैं। देखिए अभी हम गैस इसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये जितना इसका आइडियल प्रेशर रहेगा 22 का, उतना तक ये गैस जाएगा। आप दोनों तरीके से गैस डाल, दोनों बगल से आप गैस डाल सकते हैं, कंपाउंड से एंड प्रेशर गेज से। हाँ दोस्तों, तो देख रहे हैं अभी कि हमारा 22 गैस देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। अभी ये नीचे में हम गर्म पानी रखे हैं, क्योंकि अभी कभी भी आप गैस को चार्ज करें तो वेपर कंडीशन में गैस चार्ज करें, तभी तो आइडियल प्रेशर पे देखिए हम 150 तक मतलब गया मेरा प्रेशर, 150 तक आइडियल प्रेशर चले गया। अब हम जब मशीन को स्टार्ट करेंगे तब उसके बाद अपना सक्शन के ज़रिए हम इस गैस को चार्ज करेंगे। ये हमारा डेकिन का ये अपना थर्मोस्टेट है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऊपर जाके चेक करेंगे। इसको हम कम से कम गैस चार्ज करने के लिए इसको पूरा कम में करते हैं, 18 में कर देते हैं या 17 में कर देंगे, 17-18 में भी चलेगा, ओके। उसके बाद अब हम ऊपर में जा कर के गैस चार्ज करेंगे। देखिए अभी सक्शन लाइन से हम गैस डाल रहे हैं, अभी उसमें देखिए डिस्चार्ज प्रेशर बता रहा है। अभी कभी भी डालेंगे तब सक्शन लाइन से गैस डालने का, ऐसा नहीं कि उससे डालें, क्योंकि उससे फिर रिटर्न आपको आने लगेगा। हमारे सक्शन लाइन में गैस खींचता है इसलिए डालते हैं, कभी भी वेपर कंडीशन में गैस चार्ज करने का। देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह को ऊपर रखे हुए हैं, मतलब ऊपर में वेपर बनता है, नीचे में गर्म पानी है, चार्ज हो रहा है गैस। तो अपना 22 का जितना हम लोग बैक प्रेशर रखते हैं 60-70, तो उतना डालेंगे इसमें, तो उसके बाद हमारा यूनिट जो है अच्छा हो जाएगा।